हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सॉल्ट एंड टर्मरिक। आज हम एक सिंपल येट वेरी टेस्टी ट्रेडिशनल बंगाली रेसिपी लेके आए हैं, जिसका नाम है झींगे आलू पोस्तो। इसको आप दाल राइस के साथ एक साइड डिश के हिसाब से खा सकते हैं, जो अमेजिंग पेयर करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए खसखस या पॉपी सीड्स। तो हम मिक्सी जार में 1.5 स्पून खसखस ले लिया है और मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी। ट्रेडिशनली हरी मिर्च यूज़ किया जाता है, बट आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इसको पहले मैं ड्राई पीसूंगी। देखिए, मैंने इसको पाउडर बना लिया है, क्योंकि मेरे जार के हिसाब से मेरा क्वांटिटी ऑफ खसखस काफ़ी कम है, तो इसको मैं और एक बार पाउडर बनाऊंगी। ये अभी तक दरदरा है। कुछ लोग इसको दरदरा बनाना प्रेफर करते हैं और कुछ लोग इसको स्मूथ बनाना पसंद करते हैं। तो झींगे आलू पोस्तों में मुझे बहुत ही स्मूथ पेस्ट अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं इसको और एक बार चला लूँगी ड्राई। देखिए, मैंने और एक बार चला लिया है इस पाउडर को और इससे ऑयल निकलना शुरू हो गया है। ये इतना ज़्यादा स्मूथ हो गया है। देखिए, मैं इसको पिंच करके आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरे हाथ में इसका ऑयल निकल आया है। अभी हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा मत डालें, क्योंकि ये पेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। तो आपके क्वांटिटी ऑफ खसखस के हिसाब से आपको पानी डालना पड़ेगा। देखिए, ये एक बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बन गया। ये थोड़ा सा डाइल्यूट ही है, पर आप इसको थोड़ा गाढ़ा भी बना सकते हैं। चलिए अब कुकिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, उसमें मैंने कलौंजी और लाल मिर्च डाल दिया है। तो इस रेसिपी में मोस्टली मस्टर्ड ऑयल प्रेफर किया जाता है, पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें पहले आलू डाल दूंगी और आलू को क्यूब्स काट लूंगी। देखिए, मैं इसको फ्राई करती रहूंगी मीडियम फ्लेम में और इसको गोल्डन होने तक थोड़ा वेट करूंगी। देखिए, ये अभी गोल्डन हो गया है। मैं अभी तोरई डाल दूंगी। तोरई को पकाने के बाद ये तोरई बहुत ही पानी छोड़ता है और उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, इसीलिए हमें आलू जितना लेना है उससे डबल तोरई लेना है। तो ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो जब पक जाएगा तो आलू ज़्यादा दिखेगा और तोरई कम दिखेगा। तो ये मैंने थोड़ा बहुत सहजन भी डाल दिया है, दैट इज़ ड्रम स्टिक। तो एक्चुअली ये ऑप्शनल है। एक्चुअली मुझे ड्रम स्टिक या सहजन इतना ज़्यादा पसंद है कि कहीं पे भी मुझे चांस मिलता है तो मैं वो ऐड कर देती हूँ, पर ये ऑप्शनल है। आपको अगर उतना पसंद नहीं है तो मत डालिए, पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मैं इसमें सॉल्ट एंड टर्मरिक दोनों में डाल दूंगी, नमक और हल्दी। नमक कोई भी सब्ज़ी में जब भी आप डालेंगे तो वो अपना पानी छोड़ता रहेगा और जल्दी जल्दी पक जाता है। तो मैं इसको थोड़ा बहुत चलाने के बाद फिर से मैं उसको ढक दूंगी। तो क्यों ढकूंगी? क्योंकि इसका जो पानी निकलेगा उसी पानी से ये सब्ज़ी पकेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए कवर किया था, तो फिर से मैं उसको खोल के 2 मिनट के बाद चला रही हूँ। मैं क्यों बार बार चला रही हूँ? क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि पानी डाल के उसको एकदम से कवर कर देते हैं 5-7 मिनट के लिए और उसी पानी से वो पक के तैयार हो जाता है, पर मैं ऐसे नहीं करती। अब मेरे पहले वीडियोस में भी मैंने बताया है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी का जो अपना पानी है वो उसी से पके, तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है और डाइल्यूट नहीं होता है। अगर आप पानी डाल के उसको पकाते रहेंगे तो उसका जो अपना टेस्ट है वो बहुत ही डाइल्यूट हो जाता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस लेके इसको ढक ढक के स्टर फ्राई कर कर के पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। देखिए, मसाला डाल के, बहुत ज़्यादा तेल डाल के सभी टेस्टी खाना पका सकते हैं, लेकिन बिना ज़्यादा मसाला दिए कम तेल में आप अगर अच्छा खाना पका सकते हैं तो वही एक्सपर्टीज़ है। तो अब मेरी जो सब्ज़ी है वो 80% पक चुका है। अभी मैं अपना जो मसाला पेस्ट है वो मैं डाल दूंगी। देखिए, वो खसखस का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मेरा जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो है, उसको मैं पकाने दूंगी ऑलमोस्ट 4 मिनट्स। देखिए, अभी मेरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। अभी एक ट्रिक है जो ट्रेडिशनली फॉलो किया जाता है, वो है थोड़ा बहुत कच्चा मस्टर्ड ऑयल
वो हम इसमें डालेंगे थोड़ा बहुत, हाफ टी स्पून ऐसे, और जो पॉपी सीड का पेस्ट है उसके अरोमा के साथ ये जब मिक्स होगा तो इसका एक अलग ही खुशबू निकलता है जो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो इसको हम मिला देंगे। अगर आप मस्टर्ड सीड का स्मेल पसंद नहीं करते हैं तो इस स्टेप को आप बिल्कुल स्किप कीजिए। हमारे आलू झींगे पोस्तो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो हम इसको कवर कर लेंगे इसका अरोमा इन्फ्यूज़ होने के लिए, और तभी हम खोलेंगे जब हम इस सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इससे मैं कोई भी नया वीडियो डालने से उसका अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।